खाना बना रही है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, पूजा रूम रेडी हो रहा है। यहाँ पे लाइट की कमी है, यहाँ पे एक लाइट है तो ये ख़राब हो चुकी है, इसको बनवाना बाद में बनेगा। और यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी चल रही है, तो देख सकते इतनी सारी पूजा की तैयारी है। तो नवरात्र हम लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं, पूजा करते हैं माता रानी का। तो यहाँ पे सब तैयारी चल रहा है, छवि भगवान जी कपड़ा पहना रहे, इसको अच्छा लगता है। हाँ, किसका है ये? लक्ष्मी माता के लिए। हम सब रेडी हो के बैठे हैं, छवि विस्तार से फ्रॉक सूट पहनी है, कना कभी नहा रही है, तो चलिए पहले तैयारी कर लेते हैं। अंकल और खाली मुझे खरीदना से। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, जय माता दी। तो आज नवरात्रि का पहला दिन, यहाँ पे हमारे तैयारियां चल रही है, लेट हो गया है, पहला दिन है तो जाहिर सी बात है लेट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी माता रानी का मंदिर सज रहा है, कल हमने नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गए थे और बाकी भी काम में उलझे हुए थे। तो यहाँ पे सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ मैं ये जौ बैठा रही हूँ, तो सभी लोग यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो चलिए पहले तो यहाँ पे माता रानी ने रख दिया है, बाकी और देवी देवताओं को यहाँ पर रखने वाले हैं, तो पहले सेट कर लेते हैं, फिर करती हूँ अपने हिसाब से। तो इसमें अच्छा था खड़ी हल्दी है, 5 गांठ 5 पीस लवंग इलायची और पैसा है, दूब है। अब इसमें सब डाल देंगे, सुपारी भी है। इसमें चावल रख के एक कटोरी दीजिए चावल के लिए। जो कपड़ा पोछने का लाल कलर का होगा दे दो। तो बज गया है 1 और आज पूजा में थोड़ा टाइम लग गया है, तो हमने अभी तक सुबह से ना बस केवल मेवा खाया, पानी पिया, चाय पिया और कुछ भी फलाहार नहीं खाया है, क्योंकि थक गए थे, थोड़ा सा रेस्ट करने लग गए। तो अभी आलू उबल चुका है, चल रहे किचन में आलू बनाने के लिए, पतिदेव भी कुछ खाए नहीं चले गए हैं, तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ किचन में ना सब बर्तन बहुत सारे रखे हुए हैं, यहाँ पे मूंगफली भी आया था दिया, यहाँ पे आलू उबल चुका है, दूध रखा है, पूजा के बर्तन को रख दो, इसको भी काम नहीं है। मूंगफली, आलू, चाय, मावा, मखाना मतलब ड्राई रोस्ट, हल्का सा घी डाल के, दो तरह का, कम ऑयल वाला ज़्यादा, पपाया। अच्छा भी नीचे भगवान जी के मंदिर में भोग लगाने के लिए, और यहाँ पे मेरा पौधा अभी तक जैसे जैसे पड़ा है, हिल नहीं रहा बेचारा। हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है, नवरात्रि का पहला दिन है और यहाँ पे माता का भजन चल रहा है और साथ में हम लोग अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं। ऐसे हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में ना अपने आपको इंगेज रखते हैं, खुश रहते हैं। अब त्यौहार आ गया ना तो बहुत अच्छा लगा, घर बिल्कुल अभी फैला है पर उससे में कोई मतलब नहीं है, मतलब करते रहेंगे पर इंजॉय में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सामान है, घर है, काम होता रहता है और इंजॉयमेंट ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया डांडिया को, चलिए तब को मंदिर में माता रानी का दर्शन करा के लेके आते हैं। थोड़ी सी उजाला की वहाँ पे कमी लगती है, पहले बताया है। हाँ, और लाइट भी क्या बोलते हैं ना वहाँ पे, एक छत वाली सीलिंग वाली खराब हो गई, तो अब नहीं सोच रहे कि किसी को मिस्त्री को अंदर लाने के लिए मंदिर के अंदर, तो इसी वजह से
यहाँ पे एंटर करते हुए तोरण लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने कल मिस्त्री लगे थे तो थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजिंग किया। जो यहाँ पे घंटी बजा के हम अंदर को घुसते हैं। यहाँ पे मैंने कलर भी करवाया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे छत पे लाइट है पर वो भी ख़राब है और यहाँ पे लाइट अभी टंगी हुई है, इसको लगाना है तो अभी लेट हुआ था तो हमने पूजा किया है। अभी पूजा करके जब बस मैं बैठी ही हूँ तो ये है हमारी माता रानी। यहाँ पे और भी देवतागढ़ हैं, भगवान जी हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने अपने मंदिर को ना सजाया है जो कि अच्छा, मतलब लाइट की वजह से अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको यहाँ दबाओ, बंद हो गया, सिंपल। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे डांडिया चल रहा है। डांडिया है यहाँ पे, डांडिया चल रहा है। ये नहीं चला रहा, उससे पहले लगा कि गाना ज्यादा अच्छा लग रहा था। पहला दिन होने में जैसे ना बहुत ज़्यादा वर्क लोड हो गया तो थकान लग रही है। व्रत भी है ना, मतलब सिंगल डे है, मतलब एक दिन वाला है, 9 दिन का नहीं है तो थोड़ा सा भी बैठे हुए हैं पूजा करके, शाम का काम करके, अब शाम का फलाहार भी बनाना है। तब के लिए बाय बाय।